हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग हियर मास्टर कैडर मैथ प्रेपरेशन। टुडे आवर चैप्टर इज डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट और डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इज लेट एफ एक्स बी द रियल फंक्शन एंड ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, देन वी डिफाइन। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कुछ इस तरह से आएगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमारी कैसे प्रूव होगी, जब राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाएगा। और एफ डैश ए को हम दो नामों से जानते हैं, या तो डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो जो डेरिवेटिव है एफ डैश ए, उसको हम कैसे लिखेंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। तो इन केस अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए तो हम उसको नाम देते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अनदर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अनदर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है कि जो एफ डैश ए, हम उसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। ये हमारी दूसरी फॉर्म है कि हम इस फॉर्म में भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमने लिखना हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हम उसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए। एंड अगर हमने राइट हैंड लिमिट का डेरिवेटिव लिखना है तो हम उसको लिखेंगे लिमिट x approaches to a positive f of x minus f of a by x minus a, right। तो हम सिंपल भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे की फॉर्म है। तो अगर हम ये बोलें कि लिमिट h approaches to zero, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ ए बाय ए प्लस एच माइनस ए। तो वही फॉर्म हमारी वापस हमें मिल जाएगी बाय एच, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे की ही फॉर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव इन एन इंटरवल, जो फंक्शन एफ है वो डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल हो सकता है दो चीज़ों के अंदर। जो f है, फंक्शन है, वो दो तरह के इंटरवल्स के अंदर डेरिवेबल हो सकता है, पहला ओपन इंटरवल एंड सेकंड क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के अंदर अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल होगा तो उसकी कंडीशन क्या है, जैसे ये हमारे पास होता है ओपन इंटरवल और ये होगा क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर f ओपन इंटरवल के अंदर डेरिवेबल होगा तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या है कि f जो है वो डेरिवेबल होना चाहिए एट ईच x इन a कॉमा। तो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर डेरिवेबल होने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं कि f है जो वो डेरिवेबल ओपन इंटरवल में हो, राइट इंटरवल में भी डेरिवेबल हो, राइट डेरिवेबल भी उसका होना चाहिए, मतलब ए पर डेरिवेबल होना चाहिए, और लेफ्ट डेरिवेबल भी होना चाहिए, दैट मीन्स बी पर डेरिवेबल होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इफ़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज़ फाइनाइटली डेरिवेबल एट अ पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन देन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट ए। मतलब कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है ए पर तो
वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा ए पर, बट कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है ए पर, हम ये नहीं बोल सकते कि वो डेरिवेबल भी होगा ही होगा. नॉट ऑलवेज ट्रू, इन सम केसेस ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है.